आज हम सरिस्का टाइगर रिजर्व जा रहे हैं। हम पहुंच चुके हैं सरिस्का। दोस्तों हम सरिस्का के गेट नंबर 2 पे आ चुके हैं। बिल्कुल सर, टाइगर के रोज साइटिंग हो रही है। यह है मेन एंट्रेंस सरिस्का टाइगर रिजर्व का। हम यहाँ अभी जिप्सी का वेट कर रहे हैं। उस तरफ टिकट काउंटर है जहाँ से हम टिकट्स लेके अंदर गेट पे जा सकते हैं। तो ये सफारी शुरू हो चुकी है। यहाँ सांबर डियर दिख रहे हैं। यहाँ से स्टार्ट है जंगल। इसमें लेफ्ट की तरफ नीचे नाले में बहुत जबरदस्त बैम्बू ट्रीज है, जो समर टाइम में टाइगर और लेपर्ड के लिए बहुत कूलिंग का काम करता है। ये राइट साइड में जो रॉक्स देख रहे हैं, ये लाइमस्टोन है। विंटर टाइम में लेपर्ड्स का बहुत अच्छा साइटिंग रहता है इनके ऊपर, सनबाथ करने के लिए इन पर आकर बैठते हैं। ये नीचे देखो बैम्बू ट्रीज भी अभी इस समय ड्राई कंडीशन पर है, लेकिन गर्मी के टाइम में टाइगर और लेपर्ड को बहुत अच्छा ठंडा महसूस करवाता है। टाइगर ज़्यादातर वाटर बॉडीज के आसपास ही रहेंगे इस समय गर्मी आने वाले 2 महीने के लिए, क्योंकि उनको बार बार पानी चाहिए। बॉडी टेम्परेचर को डाउन करने के लिए पानी में उनको थोड़ी देर बैठना भी पड़ता है। डियर स्पेसीज का लार्जेस्ट मेंबर एक और अंदर चला गया। ये पीछे एक और है, आगे वाला मेल है क्योंकि उसके सींग है, हेंटलर्स बोलते हैं जिनको। ये पीछे एक फीमेल दिख नहीं रहा है, वो झाड़ी में आ गया थोड़ा सा आगे। ये टाइगर का फेवरेट फूड होता है सांबर डियर। ये देखो इधर दोनों तरफ। ये दोनों तरफ सांबर डियर है। ये मेल सांबर डियर है। ये मेल सांबर डियर है, इसके सींग है। और इनके जो सींग होते हैं, ये हर साल लूज होकर गिर जाते हैं, फिर से दोबारा नए आते हैं। ये हर साल का प्रोसेसिंग होता है। जब इनके नया सींग आता है तो बहुत सॉफ्ट और वेलवेट होती है उस पर। उस समय ना तो ये किसी से फाइट करते, झाड़ियों से भी दूर रहते हैं, क्योंकि इनमें ब्लड का सर्कुलर चालू रहता है। अभी ये काफ़ी हार्ड है, एक तरह का टाइप ऑफ बॉन्स गुड़ा। और इनके पीछे देखो एक स्पॉटेड डियर बैठा हुआ है, मेल डियर है, बेर के पेड़ के नीचे, जिसके काफ़ी बड़े सींग हैं। हाँ बैठा हुआ है मगर दिख नहीं रहा है यहाँ से। अभी दिखाई दे रहा है? हाँ, अब दिख रहा है। ये स्पॉटेड डियर है, वो भी मेल डियर है। अभी लेजी टाइम है, सभी एनिमल्स रेस्ट कर रहे हैं। अभी आने वाले टाइम में इनके बॉडी से विंटर कोट उतरेगा। अभी बहुत बड़े बड़े बाल हैं जो सब खत्म हो जाएंगे, अभी समर स्टार्ट हो गया तो चेंज करते हैं ये। हेलो दोस्तों, हमारी सफारी शुरू हो चुकी है और हमारे साथ हैं गाइड मिस्टर बाबूलाल। आइए उनका इंट्रोडक्शन लेते हैं और उनसे उनके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। हेलो एवरीवन, मैं बाबूलाल, नेचर गाइड सरिस्का टाइगर रिजर्व। अभी हम लोग सफारी पे निकले हैं और अभी डस्टी 15 मेल टाइगर की तलाश में कर्णाक पास की तरफ जा रहे हैं। देखते हैं क्या रहता है। जो सुबह भी उसका साइटिंग हुआ था और शाम को भी साइटिंग होने के चांसेस हैं। मैं यहाँ 2007 से काम कर रहा हूँ, जिस समय यहाँ टाइगर नहीं था। टाइगर पहला टाइगर 2008 में आया था रणथंभौर से। ओके। जो कि बिफोर 2008 सभी टाइगर्स कोचिंग से खत्म हो गए थे सरिस्का में। ओके। अभी टोटल 33 टाइगर्स है सरिस्का के अंदर।
और धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहे हैं, उनकी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो आने वाले टाइम में अच्छा नंबरिंग होगा सरिस्का में। और ये कि वाटर बॉडी आपकी तरफ देखिए, ये आर्टिफिशियल वाटर बॉडी है जिस पर अक्सर सभी एनिमल्स का मूवमेंट रहता है, टाइगर लेपर्ड एंड अदर एनिमल्स, आगे बहुत सारे सांबर डियर्स वाटर बॉडी के आसपास रेस्ट कर रहे हैं। तो अभी इसका मतलब आसपास अभी कोई टाइगर या लेपर्ड का मूवमेंट नहीं है, अदरवाइज ये बहुत अच्छा लाउडली कॉल करते हैं। सांबर डियर और मंकी का कॉल बहुत परफेक्ट होता है, स्पॉटेड डियर कभी कभी मिस कॉल भी कर देता है क्योंकि बहुत डरपोक जानवर है स्पॉटेड डियर। बाकी सांबर डियर एंड स्पॉटेड डियर का सांबर डियर एंड मंकी का कॉलिंग बहुत ही परफेक्ट और श्योर रहता है, कुछ ना कुछ वहाँ जरूर मूवमेंट रहती है। ये सभी सांबर डियर, या बीच में एक सांबर डियर देखिए जिसके सींग गिर चुके हैं, बिल्कुल सेंटर में बैठा हुआ वो सांबर डियर। हाँ ये रहा, ये बिल्कुल सेंटर में जो सांबर डियर बैठा हुआ है इसके सींग गिर चुके हैं, उसके सींग नहीं है, उसने गिरा दिए। गिरने के बाद ये ऐसी कंडीशन रहती है, अभी इसका न्यू ग्रोइंग होगा, काफी लेंथ बढ़ेगी, उनके ऊपर वेलवेट होगी और उस समय ना तो ये फाइट करेंगे ना ग्रुप से अलग रहेंगे बिल्कुल। और इनकी बॉडी पर देखिए जैसे खुजली टाइप में कुछ दिख रहा है, ये विंटर कोट निकाल रहे हैं, धीरे धीरे समर कोट आएगा इनकी बॉडी पर, क्योंकि अभी बहुत बड़े बाल हैं जो कि गर्मी में इनको परेशान करता है। आप डरिए नहीं, डराइए नहीं, एनिमल्स के सामने कोई मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, बहुत अलर्ट हैं, हमेशा अलर्ट रहते हैं, हर वाइल्ड एनिमल्स हमेशा अलर्ट और एक्टिव रहता है, आप किसी को भी लेजी ना समझे। मैं भी यही पूछने वाला था आपसे, कितनी तेज भाग सकते हैं? अपन तो इनका मुकाबला भी नहीं कर सकते कितना तेज भाग सकते हैं, ये तो जब टाइगर आता है तब इनसे पूछे कितना तेज भाग सकते हैं। टाइगर से हमेशा इनकी स्पीड ज्यादा होती है, लेकिन हमेशा डर की वजह से पकड़े जाते हैं। तो अभी अपन आगे चलते हैं। चलिए, हमारे साथ कुछ लोग और भी सफारी कर रहे हैं, आइए उनसे जानते हैं उनका व्यू सफारी के बारे में और वाइल्ड लाइफ के बारे में उनका क्या व्यू है, चलिए उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते। आप हमें अपना नाम बताइए और अपने कुछ व्यूज बताइए वाइल्ड लाइफ के बारे में। मेरा नाम राघव बाहेती है जी, आई एम फ्रॉम दिल्ली। Okay. And this is my third safari. Mm-hmm. Earlier I have done Ranthambore. Okay. And Jim Corbett. Kya baat? And this is third. This is the first time we are coming here in Sariska. And so far, let's see if we will be able to see tiger. Mm-hmm. Because whenever someone come for safari, they want to see the tiger. And first time we saw the tiger in Ranthambore. Okay. In Jim Corbett. Mm-hmm. And it was amazing experience. And yeah, we also saw elephants. I'm not sure if it was which elephant it was, but yeah, it was good experience. Like वहाँ पे हमने पूरा हाथियों का herd देखा था, करीब 2-3 हाथी मतलब with family जा रहे थे, और टाइगर को हमने काफी क्लोज से देखा था। उसके बाद नेक्स्ट टाइम हम रणथंभौर गए तो हमारी मतलब उम्मीद तो यही थी कि हमें रणथंभौर में भी टाइगर दिखेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे वेदर थोड़ा ठीक नहीं था, रेन हो गई थी, तो वो हमें थोड़ा कट शॉर्ट करना पड़ा। वो वहाँ पे हमें कोई ऐसे मतलब ज्यादा एनिमल्स दिखे नहीं। तो कहने की बात टोटल ये है कि आप वाइल्ड लाइफ के बहुत अप्रिशिएट करते हैं वाइल्ड लाइफ को और आपको वाइल्ड लाइफ से बहुत प्यार है। हाँ, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि इंडिया में जितनी भी हमारी ये जंगल सफारीज होती है, जी सारी कवर कर ले तो अच्छा है। बहुत है, बढ़िया। मैम आप कुछ बताइए सफारी के बारे में। जंगल बहुत अच्छे होते हैं, लाइक ग्रीनरी बहुत अच्छी होती है, डेंस जंगल मुझे एक्चुअली डेंस जंगल बहुत पसंद है। जिम कॉर्बेट रणथंभौर और सरिस्का से कंपेयर
रीजन किया जाए तो जिम कॉर्बेट ज्यादा अच्छा लगा मुझे. ओके एंड दैट्स इट. ओके थैंक यू मैम, अपने व्यूज हमारे साथ रखने के लिए सर थैंक यू एंड मैम बहुत बहुत शुक्रिया आपका. अच्छा हमारे साथ मेरे ब्रदर हैं अशोक. तो भाई साहब आप बताइए कुछ थॉट्स अपने वाइल्ड लाइफ के बारे में, आप क्या सोचते हैं और आपको क्या लगता है कि बहुत अच्छी होती है वाइल्ड लाइफ. और सफारी मैं करता रहता हूँ, कॉर्बेट रणथंभौर, और ये मेरी शायद 5th या 6th सफारी है. और दो बार मौका मिला है टाइगर से रूबरू होने का. बाकी यहाँ देखते हैं, उम्मीद तो कम लग रही है, बाकी लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट. चलो थैंक यू भाई साहब अपने व्यूज हमारे साथ शेयर करने के लिए. चलो अब हम वापस अपनी सफारी में आते हैं और देखते हैं कि आसपास क्या हो रहा है. यूथ साइज का स्पॉटेड डियर, फुल एडल्ट है. इसकी ब्यूटी देखिए, अभी आने वाले टाइम में ये भी सिंग गिरा देगा. एक साल में इतने बड़े हो जाते हैं? बड़े तो सर ये लगभग 3 महीने में हो जाते हैं, बट 3 महीने में ये काफी सॉफ्ट होते हैं, ब्लड चलता रहता है इनमें ऊपर से नीचे तक, वेलवेट से कवर्ड होते हैं. फिर ये धीरे धीरे बोन्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं और फिर ये हार्ड हो जाते हैं. फिर ये फाइट करते हैं एक दूसरे मेल से और उस कंडीशन में ये धीरे धीरे लूज हो जाते हैं. फिर गिरने के बाद वही सेम प्रोसेस है. यहाँ पर ST15 मेल टाइगर का चांस है. लेपर्ड का है क्या? लेपर्ड का साइटिंग इधर इधर इधर.
तो दोस्तों आज हमने अपनी सफारी कंप्लीट कर ली है, अब हम मेन गेट की तरफ जा रहे हैं और हमारे साथ जो भी गेस्ट हैं हमारे साथ, आइए उनसे पूछते हैं कैसी लगी उनको ये सफारी। पहले शुरू करते हैं अशोक भाई से। यस, इट वाज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस, बहुत ही बढ़िया लगा। पहले तो हम लोग बिल्कुल निराश होकर वापस जा रहे थे, लेकिन एंड में जो साइटिंग हुई वो बहुत ही बढ़िया थी और इट इज वर्थ कमिंग हियर। थैंक यू भैया अपने व्यूज हमारे साथ शेयर करने के लिए। अब हम पीछे जाते हैं सर के पास। सर आप कुछ शेयर करिए हमसे। बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, फाइनली लेपर्ड देखा तो आना सक्सेसफुल हो गया, वरना फिर कल मॉर्निंग में फिर से आना पड़ता। थैंक यू मैम, आप कुछ बोलिए। एंड बहुत बेस्ट था, लास्ट में लेपर्ड दिखा, बहुत थ्रिलिंग लगा जब वो दिखा, बट एक्साइटमेंट बहुत था, इट वाज गुड। तो दोस्तों ये था हमारा आज का ब्लॉगिंग का सफ़र जो बहुत अच्छा रहा। एंड में हमें लेपर्ड की साइटिंग भी हो गई और एक नया अनुभव हुआ। अब हम वापस मेन गेट की तरफ जा रहे हैं। ये सफारी अब यहीं पे ख़त्म करते हैं।